भारतीय किसान यूनियन टिकट 9 अगस्त 2024 को निकालेगी ट्रैक्टर मार्च। खबर के बारे में विस्तार जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट गो, जल्दी हो जाना तो फास्ट गो बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध, ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के फरुखाबाद से, जहां जनपद के भारतीय किसान यूनियन टिकट के द्वारा 9 अगस्त 2024 को लगभग 250 ट्रैक्टरों के द्वारा ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा, जिसकी जानकारी प्रेस वार्ता के दौरान मंडल उपाध्यक्ष प्रभाकर मिश्रा ने दिया। वही विपक्ष पर निशाना साधते हुए मंडल उपाध्यक्ष ने कहा कि विपक्ष भी अपनी रोटी सेकने में अग्रसर है, बेतु के मुद्दे पर चर्चा करता है, परंतु किसान के हितों में MSP लागू कराने में किसी प्रकार की कोई रुचि नहीं दिखाता। देखिए फरुखाबाद से डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मितेश कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं मितेश कुमार सिन्हा और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। खबरों के सिलसिले में एक बार फिर हम ले चल रहे हैं आपको केंद्रांचल के फरुखाबाद जनपद में, और अभी हम हैं भारतीय किसान यूनियन टिकैत के मंडल उपाध्यक्ष प्रभाकांत मिश्र के साथ, और सीधी बात में हम जानेंगे कि जिस प्रकार से ट्रैक्टर को लेकर जो प्रदर्शन फरुखाबाद जनपद में होना सुनिश्चित हुआ था, वह कार्यशैली क्या है और इसके पीछे क्या तैयारियां चल रही हैं। प्रभाकांत जी, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि 9 तारीख को आप लोगों का ट्रैक्टर मार्च है, जो जिला कार्यालय नेकपुर 84 से मुख्य सड़क मार्ग होते हुए जिलाधिकारी कार्यालय फरुखाबाद में तक जाएगी, तो आखिर इसको लेकर भारतीय किसान यूनियन टिकट के द्वारा क्या तैयारियां की गई हैं? तैयारियां हमारी गांव-गांव चल रही हैं, और ब्लॉक अध्यक्ष को बता दिया गया है कि अपनी तैयारी के माने तो ढाई से ट्रैक्टर मुख्यालय पे जाएंगे, उसी के हमारी 7 ब्लॉक हैं, 7 ब्लॉकों में तैयारी चल रही है। इतना ट्रैक्टर एक ब्लॉक के अंडर में आता है तो उसकी तैयारी चल रही है। और ये जो आपने अभी बताया कि 9 तारीख में जो राष्ट्रीय आह्वान पे मुझे निर्देश मिला है, उसके तहत पूरी तैयारी है, और मुख्यालय पे 250 ट्रैक्टर ले जाएंगे पूरे माने शहर में घुमाते हुए। ये जिला कार्यालय से नहीं जाएगा, अब जिला कार्यालय से चल करके मसेनी चौराहे होता हुआ और ये आवास विकास रोड पे कादरी गुट थाने के होते हुए, और इस तरह भ्रमण करेंगे और ये निकलेगा पसट्टे से सीधा फिर मुख्यालय जाएगा। पूरा हम घुमाएंगे इस ट्रैक्टर रैली को, यही हमने लिखित परत में हमारा जाएगा, और ये रूट यही मैंने रखा है कि ये जिला कार्यालय से चलेंगे मसेनी पूजा व्यक्ति होते हुए मसेनी चौराहा, और मसेनी चौराहे से आवास विकास की तरफ घूमते हुए कादरी गेट थाना, और वही रोड में क्या नाम पसंदे होते हुए सीधा मुख्यालय पे डीएम के कार्यालय तक उनको ज्ञापन दिया जाएगा डीएम महोदय जी को, और समस्याओं का निराकरण करने के लिए उनसे कहा जाएगा। फ्लैग मार्च के बाद ट्रैक्टर मार्च, आखिर ट्रैक्टर मार्च के पीछे क्या उद्देश्य है और ट्रैक्टर मार्च का प्रदर्शन करने के पीछे क्या ऐसा माहौल बना जिसको लेकर ट्रैक्टर मार्च आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है? ये केवल जो सरकार द्वारा किसानों को गारंटी, किसान अपनी मांग रहा है MGD में कि हमें गारंटी दी जाए, जो उसी को ये वादा खिलाफी की है सरकार ने, उसी के प्रदर्शन किया जाएगा। और चूंकि ट्रैक्टर किसानों का यंत्र है, तो किसान अपने यंत्रों द्वारा प्रदर्शन कराएगा और सरकार से ये दबाव बनाएगा कि हमारी गारंटी हमें दे दो, जो तूने वादा खिलाफी करी है उसको तुम याद के लिए हम 9 तारीख में
पूरा ट्रैक्टरों के साथ किसान अपना प्रदर्शन करेगा और सरकार को याददाश्त कराएगा। कुछ राजनीतिक पार्टियों का कहें या कुछ आम जनों की राय कहें या कुछ विशेषज्ञों की राय कहें कि कुल मिलाकर यह सुनने में आ रहा है कि भारतीय किसान यूनियन टिकट विपक्ष की भूमिका निभा रही, इसमें कहां तक सच्चाई है? नहीं नहीं, ये असलियत तो ये है कि विपक्ष तो ये रहा ही नहीं, विपक्ष तो रहा ही नहीं, विपक्ष खुद राजनीति रोटियां सेक रहा है, किसान की बात नहीं उठाता। किसान की अगर बात हिंदुस्तान में अगर कोई विश्व में उठाने वाला है तो राकेश और नरेश टिकैत जी हैं, जो किसानों के मसीहा हैं, पूरे हिंदुस्तान के वही किसानों की बात उठा रहे हैं। और ये जो आपने चैनल के माध्यम से पूछा है कि ये सत्य है कि अगर सरकार के खिलाफ पर लड़ रही है तो भारतीय किसान टिकैत, देख रहे थे कि समाचार में किस प्रकार से लाया गया नया रंग और भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने लगाया आरोप, कहा कि जो है सो विपक्ष की भूमिका भारतीय किसान यूनियन टिकैत लगातार जो है सो निभा रही है, वहीं जो विपक्ष भी अपनी रोटियां सेकने में है मशगूल, यूं कहे कि विपक्ष भी ताने वाने बुनकर किसानों के मुद्दे को नहीं सजग ढंग से उठा रही है, यही कारण है कि किसानों का MSP मांग जो है वह लागू नहीं हो पा रहा है। हम आगे भी आपको दिखाएंगे, तब तक के लिए देश और दुनिया की खबर के लिए देखते रहें फास्ट न्यूज़ इंडिया। ब्यूरो रिपोर्ट, फरूखा।